उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में ठेकेदार द्वारा बजट के पैसे को ठिकाने लगाने का आरोप। बस्ती को छोड़ जंगल में करा दिया सड़क निर्माण। पूरा इलाका छोड़कर जंगल रेंज की तरफ डाल दी गई सड़क और इलाकावासी परेशान। ठेकेदार बोल रहा है कि खत्म हो गया बजट। मामला ललितपुर जनपद के गोविंद नगर इलाके का है। यहाँ सड़क नहीं डाली गई बल्कि पूरा इलाकावासी परेशान है। बारिश में उखड़ी सड़क पर भर जाता है पानी। अभी कुछ समय पहले बताते चले कि वहाँ रोड का निर्माण होना था, सरकार से बजट भी पास हो गया था, जहाँ सड़क डाल। क्या है मामला? सरकार से बजट आया था बस्ती के रोड के लिए। ये जो रोड दिख रहा है, ये रोड, हाँ, इस रोड को उखाड़ा गया। 9 इंची मोटा रोड पहले से डला हुआ था और इस रोड को ले जाके रेंज की साइड में डाल दिया गया, जंगल की तरफ, जहाँ बस्ती बिल्कुल नहीं है। और जहाँ बस्ती है वहाँ परेशानी हो रही है। 9 इंची मोटा रोड उखाड़ दिया गया तो उसके बाद भी डाला नहीं गया और इसको ले जाके रेंज की तरफ डाल दिया। वहाँ पे बस्ती तो है नहीं है, रेंज की नहीं है। वहाँ पे 2-4-5 मकान है छुटपुट। अच्छा, इसको रेंज की तरफ से डाला गया है ठेकेदारों की मिली भगत से। और ये बस्ती में रोड उखाड़ दिया बना बना। मुख्य बस्ती में जो मुख्य बस्ती है, घनिष्ठ यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ पे रोड उखाड़ दिया गया, यहाँ का रोड उखाड़ा गया है। और फिर क्या, अब क्या करना चाहिए? अब क्या कहते हैं कि बजट नहीं है, बजट को उधर लगा दिया रेंज में, तो बस्ती के लिए बजट नहीं है कहते हैं। तो अब क्या होना चाहिए? ये रोड डलना चाहिए क्या? ये रोड डलना चाहिए, परेशानी तुम्हें दिख रही है। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? अब प्रशासन से मांग जाइए कि रोड डल जाए।